दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। इन दिनों कास्टिंग काउच का मुद्दा काफी सुर्खियों में है। इसी सिलसिले में अब एक और एक्ट्रेस ने भी अपनी बात रखी है। बता दें कि माही गिल को फिल्मों में बोल्ड किरदारों के लिए जाना जाता है। माही ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआती दिनों के दौरान वो भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। माही ने कहा, मुझे उस डायरेक्टर का नाम तो याद नहीं, लेकिन जब मैं उससे मिलने गई तो उस वक्त मैं सलवार सूट में थी। मुझे इस ड्रेस में देखते ही उसने कहा, अगर तुम सलवार सूट में आओगी तो कोई भी डायरेक्टर तुम्हें अपनी फिल्म में काम नहीं देगा। इसके बाद जब मैं एक और डायरेक्टर से मिली तो उसने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम नाइटी में कैसी लगोगी। माही के मुताबिक, इस तरह के वाक्य देख मैं कंफ्यूज हो गई थी कि यहाँ कैसे काम करूँगी। मैं उस वक्त मुंबई में नई थी तो ये नहीं जानती थी कि क्या सही है और क्या गलत। मैं इंडस्ट्री में डायरेक्टर की बातें सुनकर काफी परेशान हो गई थी। मुझे लगने लगा था, क्या वाकई में ऐसा होता है कि सूट पहनने से रोल नहीं मिलता और कोई काम नहीं देगा। इसके बाद मुझे कई लोगों ने अलग अलग सलाह भी दी, लेकिन ये जान पाना काफी मुश्किल था कि कौन सही है और कौन गलत। माही ने 2007 में फिल्म खोया खोया चांद से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि उन्हें पहचान 2008 में आई फिल्म देवगी से मिली। इसके बाद उन्होंने गुलाल, आगे से राइट, दबंग, साहेब बीवी और गैंगस्टर पांच सिंह तोमर जैसी फिल्मों में काम किया है। 2018 में उनकी फिल्म साहेब बीवी और गैंगस्टर 3 आ रही है।